ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाक साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अंबाला छावनी हरियाणा से मैं ज्योतिषी पंडित दीपलाल जयपुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि 17 अक्टूबर दिन शनिवार से शारदीय नवरात्र आरंभ होने जा रहा है और 17 अक्टूबर से ही संक्रांत भी है, यानी सूर्य तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शारदीय नवरात्र हम क्यों कहते हैं इन नवरात्रों को, क्योंकि ये श्राद्ध के तुरंत बाद लगते हैं, इसलिए इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। इससे पहले प्रमुख नवरात्र जो है अप्रैल में आते हैं, जिनको हम बसंतीय नवरात्र बोलते हैं, जो बसंत ऋतु के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दो नवरात्र और भी आते हैं जिनको हम गुप्त नवरात्र बोलते हैं, जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में आते हैं। इसमें साधक गुप्त साधनाएं करते हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं। मित्रों, मुहूर्त क्या रहेगा शारदीय नवरात्रों में? घट स्थापन का, कलश स्थापन का। प्रातः 7:50 से 9:15, फिर इसके बाद 10:30 से 11:20 तक, फिर सुबह 11:43 से 12:28 तक ये घट स्थापना का विशेष मुहूर्त रहेगा 17 अक्टूबर के दिन। मित्रों, क्योंकि इन नवरात्रों का यानी शारदीय नवरात्रों का आरंभ शनिवार के दिन होने जा रहा है, तो शनिवार का दिन जो होता है महाकाली जी को समर्पित होता है। अतः महाकाली जी घोड़े के ऊपर सवार होकर बीमारी, दुख, दरिद्रता, रोग का नाश, शत्रुओं का नाश करने इस ब्रह्मांड में 9 दिनों के लिए आ रही हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां आपस में विरोधाभास की भावना एक दूसरे पे तोमित करेंगी। मित्रों, कैसे करें घट स्थापना 17 अक्टूबर को? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, सुंदर नया, उस वस्त्र के ऊपर कांसे की थाली रखें, थाली के अंदर कच्चे चावल रखें, हल्दी लगे हुए, उसके ऊपर कलश स्थापन करें। कलश जल से भरा हो, गंगा जल हो, अगर वो तांबे का है तो उसमें दूध और दही ना डालें, केवल गंगा जल डालें, हल्दी डालें, चावल डालें, लौंग इलायची डालें, 9 पत्ते आम की टहनी के उस पे लगाएं, नारियल रखें और हार चढ़ाएं। ये आम विधि गृहस्थियों के लिए है घट स्थापना की। मित्रों, बिना आसन के कोई पूजा पाठ ना करें। मां भगवती को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए लाल रंग का आसन पूर्व और उत्तर दिशा में बैठ करके मां की आराधना करें। जो कलश स्थापना है वो भी ईशान कोण उत्तर पूर्व में रखें। प्रतिदिन 9 के 9 दिन देवी को दीप दिखाएं अपने घर के मंदिर में और पास के मंदिर में, फल मिठाई चढ़ाएं अपने घर के मंदिर में, पास के मंदिर में, सुबह शाम आरती गाएं। प्रतिदिन बदल बदल कर यदि आपके घर में मूर्ति है 2-2.5 फुट की मां स्थापित कर रखी है, तो प्रतिदिन वारों के हिसाब से उनको वस्त्र पहनाएं, जैसे सोमवार को क्रीम कलर, मंगलवार को नारंगी, बुधवार को थोड़ा हरा, हल्का हरा, गुरुवार को पीला, शुक्र को फिर क्रीम, शनिवार को मजेंटा या नीला इत्यादि। इन 9 दिनों में यदि कोई आपके घर मेहमान आ जाता है या कोई मांगने वाला आ जाता है तो उसको भूखा कभी मत जाने दें। ये बात ध्यान दें कि नवरात्रों में यदि कोई आपके घर भूखा आ जाए तो उसको भूखा ना जाए, कोई मेहमान आ जाए तो उसका आदर सत्कार करें, ये नियम है। इन 9 दिनों तक मित्रों यदि आपने बीज बोए हुए हैं और आप पुरुष हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो साधना करते हैं, तो उनके लिए मेरी विशेष हिदायत है
कि कैंची का प्रयोग ना करें, जैसे सुई धागा, कैंची, बाल काटना, अपनी मूंछ के बाल काटना, नाखून काटना, यानी क्षौर कर्म ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शारीरिक संबंध ना बनाएं, शुद्धि का ध्यान रखें। यदि आपकी धर्मपत्नी रजस्वला हो जाती है तो पूजा पाठ ना करें, अगर करते हैं तो दोष लगेगा। नव रात्रों में चमड़े के जूते, चप्पल, बेल्ट, काला वस्त्र ना पहने, किसी की निंदा, चुगली, झूठ, प्याज लहसुन व्रति ना प्रयोग करें अपने घर में। नींबू अगर आपने आराधना कर रहे हो, साधक हो आप, तो नींबू मत काटे। हवन के बाद आप मां भगवती को प्रसन्न करने के बाद जब पूर्णाहुति होती है तो नींबू की बलि दे सकते हैं, ये जरूर है, लेकिन व्यर्थ में नींबू ना काटे। आम उपाय क्या है, यदि किसी घर में पीड़ित है, कोई व्याधि है, रोजगार की कमी है, तो घर का जो मुख्य है वो मंगलवार, वीरवार, शनिवार अपने ऊपर से एक चुटकी हींग लेकर सात बारी वार कर दक्षिण दिशा में फेंक दे शाम के टाइम। सोमवार के दिन नवरात्रों के एक जोड़ा लौंग का, एक जोड़ा इलायची का शंकर भगवान पर चढ़ाएं। प्रतिदिन पक्षियों को बाजरा नमकीन दें नवरात्रों में, इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली का तेल और गुड़ की डली रखें, इससे आपके घर में सुख शांति रहेगी, कलेशों का नाश होगा। प्रतिदिन नवरात्रों में अपना मुख देखें शीशे के अंदर, वो भी शुभ लक्षण बताया गया है। बुधवार के दिन गणेश जी को एक सुपारी, मीठा पान और हरी मूंग चढ़ाएं, इससे भी व्यापार वृद्धि होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति आज व्यापार से परेशान है कि काम नहीं है, काम नहीं है। इसी वजह से बार बार आपको मैं रोजगार के बढ़ोतरी के नियम बता रहा हूं। मित्रों, ये कुछ उपाय थे जो हम और आप शारदीय नवरात्रों में अगर आप करते हैं तो आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। अंबाला छावनी से ज्योति प्रतिनिधि प्लाजियापुरी आपकी मंगल कामना करते हुए आपको ये शुभ आशीर्वाद देता है कि आपकी कुल देवी पितृ आपके शांत रहें, आपके घर में मंगल ही मंगल हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओ चाचे दरबार की जय।